अगर आप भी 2 से 3 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में इस हफ्ते मार्केट में कोई 7 सीटर कार को तलाश रहे हैं, तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्दी भारतीय बाजार में अपनी सबसे पॉपुलर कार इको के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी पूरे भारत में कर चुकी है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मार्केट में इको जैसी कार का बोलबाला आज से नहीं काफी लंबे समय से भारत में चलता आ रहा है। ये मल्टी व्हीकल वैन अपने आकार और रूप के चलते भारत में 7 सीटर अवतार में खरीदी और बेची जाती है। और सबसे बड़ा कारण कि ये कार कम बजट में हर किसी मिडिल क्लास से लेकर मध्य वर्गीय परिवारों का कार लेने का सपना पूरा करती है। ईगो को भारतीय बाजार में 2 विकल्प ऑप्शन में आज तक देखते आए हैं, जिसमें कमर्शियल और एक पर्सनल इस्तेमाल में इस कार को भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है जब फाइनली ईगो जैसी देसी देहाती कार को नए अवतार और नए एमपीवी लुक के साथ मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर ले जाए मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 ईको में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। इस कार को मार्केट में काफी ज्यादा अब पसंद किया जा रहा है। कार के बोरिंग डिजाइन से लेकर कार में ना मिलने वाले फीचर्स अब इस बार ईको जैसी कार को मार्केट में एडवांस भी बनाने वाले। मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ईको के सबसे पहले लुक और डिजाइन की ही बात कर ली जाए, जिसने हर किसी को मार्केट में अपने कम बजट में दीवाना बना रखा है। ईको को आप वीडियो के अंदर साफ साफ देख पा रहे हैं कि ईको अपने पुराने मॉडल के मुकाबले बड़ी और चौड़ी नजर आती है। कार को 4x4 के डिजाइन के साथ लॉन्च किया जा रहा है, जिसके चलते कार को पूरा एमपीवी वाला लुक मिलता है। फ्रंट लुक पे गौर किया जाए तो देख लीजिए, बॉक्सी डिजाइन को पूरी तरीके से चेंज कार को एमपीवी लुक देने के लिए कार में प्रोजेक्टर लाइनअप का सेटअप आपको मिल जाता है, जो कि बोरिंग हेडलैम्प्स को आखिरकार ईको जैसी कार से हटाया गया है, जिसमें लगे डेटेम रनिंग लाइट्स कार को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। साथ ही साथ ईको जैसी कार में कंपनी ने अपनी न्यू रेटिनाइन अपडेट व्हील का इस्तेमाल क्रोम अंदाज के साथ किया है, जिसके चलते कार काफी भारी लुक से जमदार नजर आती है। आने वाली ईको में आपको इतना ही नहीं, कार को एक स्पोर्टी और एमपीवी वाला लुक देने के लिए मारुति सुजुकी ने आखिरकार कम बजट में भी एक स्पोर्टी लुक वाले बम्पर का इस्तेमाल भी इस बार ईको जैसी सेगमेंट की कार में किया है, जिसमें सिल्वर रंग के आउटलेट के साथ आपको दोनों साइड ऑटोमेटिक अपडेट वाले फॉग लैंप्स की प्रणाली मिल जाती है, जो कि ईको जैसी कार को मार्केट में काफी खास कई कारों के मुकाबले बना देती है। साइड प्रोफाइल पे गौर किया जाए तो देख लीजिए, मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ईको में पुराने मॉडल के मुकाबले 17 इंच के अपडेट टायर बड़े डिजाइन के साथ नजर आते हैं। इस बार ईको में आपको अलॉय व्हील की सुविधा कॉम्पैक्ट फिटेड इस कार में मिलने वाली है। आने वाली ईको के सबसे बड़े बदलाव की बात कर ली जाए, जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि आखिरकार स्लाइडिंग डोर ऑप्शन को हटा के फुल एमपीवी वाला डोर लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल ईको जैसी देसी कार में कम बजट में भी कर डाला है। साथ ही साथ ईको जैसी कार को ऊंचा रखने के लिए ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस का इस्तेमाल भारतीय बाजार के तंग रास्ते, उबड़ खाबड़ सड़कें और ऑफ रोडिंग के दीवानों के लिए ईको जैसी कार में कर डाला है। यानी अब अपनी 7 सीटर कार के साथ आप ऑफ रोडिंग भी काफी आसानी से ईको के नए मॉडल के साथ कर सकते हैं। ईको को मार्केट में पूरे 6 कलर कॉम्बिनेशन और डुअल टोन थीम और शानदार अपडेट्स के साथ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि ईको जैसी देसी कार को मार्केट में खास बना देते हैं। यहाँ तो गलियों में बात मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 ईको के लुक से लेकर डिजाइन की बात, तो आपने यहीं से अंदाजा लगा लिया कि मार्केट में कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। आखिरकार मारुति सुजुकी ने अपनी देसी एमपीवी कार ईको को ही एमपीवी लुक के चलते बदल डाला है। ईको जैसा मॉडल जितना 2024 में नया और शानदार नजर आता है, उतना ही ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देने के लिए ईको जैसी कार में एक नई इंजन प्रणाली का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते अब ईको और भी ज्यादा भारी परफॉर्मेंस और जबरदस्त माइलेज आपको इस कार के साथ मिलने वाला है। तो आइए ईको के अब फाइनली इंजन तथा पावर की बात कर ली जाए, तो मार्केट में आने वाली नई जनरेशन 2024 ईको में आपको 2.0 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन मिल जाता है, जिसके चलते ये नया मॉडल 240 PSP की तक की मैक्सिमम पावर और आउटपुट के मामले में ये कार आपको 290 Nm तक का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ईको में आपको 5 स्पीड AMT के साथ मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन इस बार भी नजर आने वाले है, और साथ ही साथ माइलेज की बात कर ली जाए तो मारुति सुजुकी की कारें माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए काफी लंबे समय से भारत में जानी जाती है। और आने वाली ईको का माइलेज तो प्रति लीटर में 30 के आसपास बताया जा रहा है, जो कि आयना कमाल की बात, यानी आल्टो जितना माइलेज
मैलेज आपको आपकी 7-सीटर कार में मिलने वाला है। इको जैसी कार जितना शानदार लुक और दमदार इंजन ऑप्शन के साथ आने वाली है, उतना ही ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए इस देसी कार में फीचर्स की भरमार भी आपको मिलने वाली है। आज के जमाने में हर कोई ग्राहक अपने कम बजट में कार लेने का सपना पूरा तो करना चाहता है, मगर साथ में एडवांस फीचर्स को भी अपनी कार में तलाशता है। इको जैसी कार आपकी उम्मीदों पे इस बार जरूर से आने वाली है, क्योंकि इको जैसी कार में कंपनी की तरफ से कम बजट में भी 10 से ज्यादा कनेक्टिविटी का टेक्नोलॉजी फीचर्स इस कार को स्मार्ट के साथ आपको भी स्मार्ट बनाने वाले है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर ली जाए इको के इंटीरियर से लेकर फीचर्स की बात। आने वाली इको के आप डैशबोर्ड पे नजर डाल पा रहे हैं कि कार के डैशबोर्ड को पूरी तरीके से ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ वुडन का लाइनअप तक दिया गया है, जिसके चलते इको जैसा मॉडल हर बार आपको बैठने के बाद प्रीमियम फील तो जरूर से करवाने वाला है। आने वाली इको में दोनों साइड आपको ऑटोमेटिक एसी वेंट्स इस बार नजर आते हैं, जो कि इस कार को स्मार्ट बना रहे हैं, और साथ ही साथ अब पीछे बैठने वाले भाइयों के लिए भी ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली इको जैसी कार में जोड़ डाली है। और साथ ही साथ आने वाली इको में आपको 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन भी इस बार नए मॉडल में देखने को मिलता है, जिसमें कई हद तक जानकारियों को साझा किया जा सकता है। आने वाली इको में सबसे खास यानी इस कार की शान बढ़ाने वाला 8 इंच के फुल साइज टीवी जितने टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल इको जैसे मॉडल में कर डाला है, जिसके चलते इस कार में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस का मान जैसे बेहतरीन फीचर्स आप अपने एक ही बटन द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, जो कि कार के साथ आपको भी स्मार्ट बनाने वाले हैं। एडिशनल फीचर्स पे गौर किया जाए तो इको जैसी कार में वायरलेस चार्जिंग, डी प्लगिंग ऑप्शन, हारमोन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन म्यूजिक सुनने वालों को इस देसी कार में अपना दीवाना बनाने वाले हैं। ये तो हो गई कार के फीचर्स की बात, मगर कम्फर्ट के मामले में लॉन्ग ड्राइव हो या फिर शॉर्ट ड्राइव हो, आने वाली इको में इस बार आपको अपहोल्ड सीट्स का सेक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि भारतीय बाजार में महंगी सेगमेंट की कारों में इन सीटों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते कार तो खूबसूरत नजर आती है और साथ ही साथ इंटीरियर और साथ ही साथ जबरदस्त कंफर्ट भरी राइड भी आपको दे जाती है। भारत में मारुति सुजुकी की कारों को टीन कड़प्पा कहा जाता है, मगर इस बार इको जैसी कार को सेकंड जनरेशन प्लेटफॉर्म पे बना दिया गया है, जिसके चलते ये लौती कार 90% तक स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, जिसके चलते कार को ग्लोबल NCP से लेकर क्रिस्टेस मानकों के तहत पहले ही 5 की रेटिंग मिल चुकी है। अगली बात करी जाए इको के लॉन्चिंग तथा कीमत की बात, तो मार्केट में इको जैसे मॉडल को 3 विकल्प ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। कार के बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग कीमत केवल 3.30 लाख रुपए सेक्शन प्राइस होने वाली। अपनी 7-सीटर बड़ी कार लेने का सपना तो देरी किस बात की, कार को बुक करने के लिए कमेंट बॉक्स का जल्दी से इस्तेमाल कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इको के लिए कर दीजिएगा एक लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।